बहराइच में ओरिदास बाबा गुट्टी पर श्री राम विवाह की कथा के तीसरे दिन भी श्री राम विवाह की शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से निकाली गई। वहीं आपको बता दें कि राम जी की बारात को वापस करके बैसनपुरवा में संतोष कुमार वीर रमेश कुमार ने भगवान श्री राम जी की बारात का जोरदार स्वागत किया और आए हुए श्रद्धालुओं को भोजन कराकर विशाल भंडारा किया। गंगापुर सिटी के जयपुर रोड पर मकान व दुकानों में प्रशासन की ओर से की गई तोड़फोड़ के मामले में सोमवार को भाजपाइयों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपाइयों ने सवाई माधोपुर एडीएम के समक्ष कार्रवाई का विरोध करते हुए इस मामले में तत्काल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ये सारी हमारे संज्ञान में है, हमने सुनी है, वो इनकी एक एक चीज की जांच की जाएगी और आप सब भी यही चाह रहे हो कि न्याय होना चाहिए और हम भी यही चाह रहे हैं कि कोई गलत का कोई साथ नहीं हो और सही कोई अनाथ नहीं हो जाए। इस बात पर एक एक बिंदु की जांच करेंगे जो दोषी होगा उसके खिलाफ। जो लोग वहाँ पे नहीं है, राजेश जी जेबली की पत्नी के साथ में अभद्रता का व्यवहार कर रहे हो, गंगापुर के लोग कब तक इसको सहन करेंगे? ये सारी बातें मैंने आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया है। आज का घेराव लोकतांत्रिक तरीके से है, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ एडीएम साहब, मेरी बातों को आप हूबहू एक तरीके से लेकर के जिला कलेक्टर साहब के साथ में बैठ करके न्याय करेंगे और गंगापुर के एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये हम आपसे मांग करते हैं। अगर दोबारा गंगापुर के एसडीएम ने कोई कार्रवाई बिना सूचना के बिना कानून के की तो हम उसको सहन नहीं करेंगे। अगर कोई भी काम करना है तो सूचना दे, अखबार में इतला दे, लोगों को नोटिस दे, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ देंगे, लेकिन न्याय का साथ देंगे अन्याय का साथ नहीं देंगे, यही आपसे कहना है। आप मौका मुआयना करें, अनुरोध है कि आप मौका मुआयना करें। गंगापुर के एसडीएम के खिलाफ जिस प्रकार के लोगों की बातें आ रही है, बिजली चोरी की आ रही है, भ्रष्टाचार की आ रही है, जांच कराओगे क्या आप? इसकी जांच कराओगे कि अपने घर पे टावर लगा लिया? घनी आबादी के अंदर कैंसर की बीमारी है, पूरी तरीके से टावर लगाने का प्रावधान नहीं है, पूरे योजनाओं पर गंगापुर की कुशाल लेक योजना सबसे महती योजना का नक्शा चेंज करके काम बंद कर दिया, पुरानी नगर पालिका का काम बंद पड़ा है, हमारी नई मंडी के अंदर 19 करोड़ रुपए होते अभी सड़कों का काम बंद कर दिया। वो काम इनको नजर नहीं आता, वो काम नजर आया कि राजेश जैमिनी जो पार्षद है कांग्रेस पार्टी का, वो अगर वो खिलाफत करता है तो मेरे भी खिलाफ था, लेकिन अगर इसके खिलाफ अन्याय होगा तो मेरा धर्म बनता है कि मैं इसके खिलाफ साथ करूंगा। इसलिए एडीएम साहब मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप कलेक्टर साहब के नुमाइंदे के रूप में जिला के अधिकारी के रूप में आप पधारे, आपका स्वागत है। और जिस प्रकार से पुलिस ने एफआईआर के अंदर 91 सीआरपीसी में ये पूछ रही है कि आपके मकान के दस्तावेज दो, मैं पुलिस से कहना चाहता हूं सबसे पहले आप एसडीएम के कृत्य का ये जो है कृत्य किया उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, अगर आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो। सर आपका इस मामले में क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि दुर्भावना वर्षी काम किया गया है और मतलब कम से कम नोटिस तो दिया जाता, कम से कम ये तो इनकी सुनवाई तो होती। ये कह रहे हैं कि भाई मैं आने वाला हूँ, एक घंटे रुक जाइए, एक घंटे बिल्कुल नहीं रोका गया और एकदम से थोड़ा भी मतलब केवल इनके और एक आदमी को, ये तो पूरा गंगा में बसा हुआ है। मतलब मैं मेरा ये कह रहा है कि दुर्भावना वर्ष के काम किया गया। सर जैमिनी जी कांग्रेस के पार्षद हैं, पार्षद हैं, आप भी हैं, कांग्रेस को, मैं भी कांग्रेस के प्रत्याशी हूं, किसकी सुन रहे हैं यहाँ पर? तो एक व्यक्ति विशेष की सुनी जा रही है, किसी की बात ही नहीं सुनते यहाँ पे, जो मतलब दुर्भावना बस काम किया जा रहा है, तो ये काम हो रहा है, इसकी अंत होगा, पब्लिक मतलब कहाँ तक सहन करेगी, इस बात को सोचो आप, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ये बिगाड़ना चाह रहे हैं। दुर्भावना बस एक ही आदमी का क्यों थोड़ा? एक और उसके बगल में आया था, तो इसलिए थोड़ा कि वो बगल में था क्या? सर आप इस बारे में आगे मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जितना बन सकेगा करेंगे, कानून भी करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, जो बन सकेगा करेंगे। इनको भी हम निश्चित रूप से नहीं बैठने देंगे, जिस तरह से इन्हें दुर्भावनावश काम किया है, ये बहुत गलत काम किया है, ये पब्लिक को परेशान करने की बात है, ये वो एक व्यक्ति विशेष के कहने से ये काम किया गया। ठीक सर। ललितपुर में सर्दी बढ़ने से प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 1.5 लाख छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित किए जा रहे हैं। नगर और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में सदर विधायक राम रतन कुशवा और जिला अधिकारी योगेश कुमार व अन्य अधिकारियों की देखरेख में स्वेटर वितरित कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मेरा नाम चाली हरवा है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूं और हमारे विद्यालय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सूचना केंद्र अधिकारी एवं विधायक
लोग आए थे और उन्होंने हमारे लिए स्वेटर बांटा, इससे हम लोगों को सर्दी नहीं लगेगी और हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि हम और मन से पढ़ेंगे। इस हमारे स्कूल का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय जोधपुरा है और हमारे स्कूल के सारे बच्चों को मिला और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो ठंड से बचने के लिए स्वेटर रोज स्वेटर पहन के आएंगे। बेटा किसने बांटा आपके विद्यालय में स्वेटर? कि हम लोगों को ठंड के लिए बचने के। कौन आया था बांटने? बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, लड़का कहाँ है? विधायक जी तेजी से कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चे को एक एक स्वेटर पहना कर दे रहे हैं। उससे फायदा ये हो रहा है कि किसी कोई बच्चे को हमने 3 नंबर का दिया और वो 4 नंबर का लग रहा है, या किसी नंबर को 4 नंबर का दिया और 3 नंबर का लग रहा है। बढ़िया स्वेटर। और क्योंकि हर केंद्र मतलब हर विद्यालय पे हमने अपना अधिकारी या कोई जिम्मेदार कर्मचारी बना, वो लोग वहाँ पे अपने सामने उसका वितरण कराएंगे और उसकी संख्या सुनिश्चित करेंगे। उससे एक और ये फायदा हो रहा है, क्रॉसचेक भी हो रहा है कि बच्चे जो हम लोग 1,74,000 उसका कर रहे हैं वो एक्चुअल में 1,74,000 है, ऐसा तो नहीं 1,70,000 और 1,60,000 नहीं 1,65,000 वो भी। तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें जो फीडबैक मिल रहा है उसमें यह है कि हम लोगों ने इसी 15 दिन के अंदर सब प्रक्रिया कंप्लीट कर ली और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश थे कि 30 तारीख तक जो है ये सब करके और उसका वितरण करा दिया जाए तो वो लोग कंप्लीट कर। अब कुछ सेंटर्स ऐसे बच जाएंगे जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा साहब में हमारे कुछ सेंटर्स हैं या माननीय जी का वो सेंटर्स जो है हो सकता है कि 1-2 दिन और 2-4 दिन, लेकिन हमारे पास स्वेटर सब हमारे पास हैं और उनका वितरण का कार्य हो रहा है और ये सब आपके सहयोग से आपके। विधायक जी क्या कार्यक्रम है आज विद्यालय में? देखिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपने जनपद के प्रत्येक विद्यालय में स्वेटर वितरण का काम 29 तारीख से प्रारंभ हुआ है और सभी विद्यालय के बच्चों को हमारा लक्ष्य के 1 और 2 दिन में सभी विद्यालय के बच्चों को स्वेटर प्राप्त हो जाए, इसलिए हम लोग पूरे प्रशासन के साथ जिला विधिक शिक्षा अधिकारी और उनका विभाग साथ में जिलाधिकारी और जिलाधिकारी के राजस्व से संबंधित सभी अधिकारीगण प्रत्येक विद्यालय में पहुंचकर अलग अलग ड्यूटियां लगा करके रोजाना स्वेटर वितरण का काम किया जा रहा है। आज सुबह से हमने पहले चौबियानापुरा विद्यालय में विशेष शिक्षा अधिकारी और सीडीओ के साथ मिलकर बच्चों को स्वेटर वितरण किया और अभी हम यहाँ जोधपुरा में उच्च प्राथमिक विद्यालय पर खड़े हुए हैं और यहाँ अभी बच्चों को स्वेटर वितरण आप सबके सामने किया है। हमारा ध्येय है कि प्रत्येक बच्चे को उत्तम स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करें और उनकी ड्रेस बस्ते किताबें भोजन के साथ साथ स्वेटर भी उनको मिले ताकि सर्दी का प्रभाव बच्चों पर ना पड़ सके और शिक्षा की ओर उनका ध्यान विशेष रूप से ये सब आकर्षण जब। मुरादाबाद मुंडे पांडा ब्लॉक के गांव सुजाना में 6 माह से चल रही सस्ता गल्ला विक्रेता के चुनाव में गांव के सचिव और एडीओ समाज कल्याण पर प्रत्याशियों के नियुक्त करने पर दूसरे उम्मीदवार शबनम ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। सर ये जो ग्राम पंचायत सेडना के लोग राशन डीलर से प्रस्ताव में धांधली का आरोप जो दूसरे पक्ष पे लगा रहे हैं, क्या है मामला पूरा? ये जो है 2 बार विकास खंड के ग्राम पंचायत सेडना में सस्ते गल्ले की दुकान की बैठक स्थगित की गई थी। आज 3री मीटिंग थी जिसमें नियमानुसार कोरम की जरूरत नहीं होती है और उसी में प्रस्ताव किया गया है। यहाँ के महबूब अली नेकपाल और हरपाल कृष्णपाल सिंह आदि ने गलत प्रस्ताव होने की शिकायत की गई है। समय हमें आने पर इसकी नियमानुसार जांच की जाएगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जांच में। सर जांच में अगर ग्राम पंचायत अधिकारी और जो लोग प्रस्ताव में सम्मिलित थे अगर जांच में कोई दोषी पाया जाए तो क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई की नियम जो भी तथ्य सामने आएंगे उसकी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी पहले जांच की जाएगी उसके बाद ही बताएंगे। सर जांच की क्या अवधि होगी, कितने दिन में जांच? ये 3 दिन के में हम समय इसकी जांच करके उपलब्ध करा देंगे विकास खंड को। महफूज नाम है मेरा। आज सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान का चुनाव हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ इतने हमारे आदमी आए इतने सेक्रेटरी और सब यारों साहब ये कह रहे हैं कि उसका प्रस्ताव हो गया। सेक्रेटरी साहब ने कितना टाइम दिया था? हेलो साहब 2 बजे तक का पता है हमें, 8:30 बजे की बात कहानी है खत्म है।
तो आप ये जो दुकान का चयन हुआ क्या इससे संतुष्ट नहीं है? भाई साहब हम तो अपना कलेक्शन लड़ा रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो? अब नहीं चाहते हम तो कलेक्शन दोबारा होगा या तो अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? कार्रवाई यही करेंगे फिर हम, इसका इसकी सुनवाई होगी आगे तक, आगे ऊपर जाके बताएंगे किसके यहाँ शिकायत करेंगे। जहाँ भी करेंगे, जहाँ हमें मौका मिलेगा वकील से मसला लगे किसी अधिकारी से पूछे। तो आप इस तरह गल्ला बिक्रेता दुकान के चयन से संतुष्ट नहीं? नहीं 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 सर। भरतपुर जिले के डींग कस्बे में रात करीब 2 बजे डींग भरतपुर की ओर से तेज गति से जा रही एक इको गाड़ी अनियंत्रित होकर 2 बिजली के पोलों को तोड़ते हुए एक दुकान के चबूतरे पर जाकर पलट गई। वहीं टक्कर की तेज आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर आए और पलटी हुई गाड़ी के चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। ठाकुर सिंह नाम है। ये जो दुर्घटना हुई है इसके बारे में बताएं। रात के 2 बजे की बात थी, मैं अपने मकान पर सो रहा था, तभी एक संग गाड़ी डींग माऊ से भरतपुर के लिए जा रही थी और लट्ठे से गाड़ी टकराई। मेरी आंख खुली, मैं तुरंत देखा, मैंने की लट्ठे को तोड़ दिया, वो आगे जाके मेरे चौतरे पे दूसरे लट्ठे से टकरा के गाड़ी पलट गई। ड्राइवर को मैंने निकलवाया, ड्राइवर बढ़िया तरह से सुरक्षित है। कितने लट्ठे टूट गए? 2 लट्ठे टूट गए। ड्राइवर ने शराब पी रखी थी? ड्राइवर ने ढोली से ड्रिंक ले रखी थी, स्पीड में गाड़ी थी।